گورنر انتظامیہ گورنر انتظامیہ ہماری بجلی ہم کا دے ہماری بجلی واپس لاؤ ہماری بجلی ہم کو دو اپنی کٹوتی واپس لو دیتا شاہ کٹوتی بند کرو بند کرو بند ہم کو ستانا بند کرو بند کرو بند کرو کرایہ بڑھانا بند کرو بند کرو بند کرو کرایہ بڑھانا بند کرو بند کرو بند کرو ایل ایچ پی سی پر ایل ایچ پی سی پر ایل ایچ پی سی پر بجلی کی بند پر शाम को दी गई सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ जो आए रोज आप देख रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आँख मचूली का खेल खेला जा रहा है पीडीटी डिपार्टमेंट की तरफ से अनशेड्यूल्ड पावर कट जो पूरे शहर के मंडल हर जगह जो देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो हमारे बच्चों को उठाना पड़ रहा है कोविड की वजह से पहले ही हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई से बहुत दूर जा चुके थे अभी जो थोड़ा सा बच्चों को मौका मिला था लेकिन बदकिस्मती से जो ये अनशेड्यूल्ड पावर कट यहाँ पे कोई कटौती का कोई टाइम नहीं है आज हमारे जो सिविल सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया जो डाक बंगले से लेकर हमने यहाँ तक जो एक रैली की उसका सिर्फ हमारी जो गर्जो गाय सिर्फ ये थी कि हमारी जो बिजली है जो यहाँ पे इतने हज़ारों मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स की बात किए जा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है जो जिला किश्तवाड़ तो हम यहाँ से मौजवाना गुजारिश करना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारी बिजली जो है हमें दी जाए ताकि जो हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ प्रोडक्ट हुआ वो यहाँ जो अनशेड्यूल पावर कट है उसके मतलब हुआ ये जो किराया लोगों को बढ़ा रहे हैं बिजली कम दे रहे हैं किराया ज़्यादा दे रहे हैं लोगों से किराया खामखा बढ़ा रहे हैं लोगों से एक तो उसके लिए प्रोडक्ट था दूसरा ये है कि यहाँ चिनाब वैली में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ज़्यादा बिजली यहाँ चिनाब वैली में पैदा होती है मतलब किश्तवाड़ में 390 मेगावाट यहाँ और भी प्रोजेक्ट यहाँ बन रहे हैं उसके अलावा बघेर प्रोजेक्ट बन रहा है बघेर प्रोजेक्ट भी बिजली बना रहा है लेकिन पूरे खिताब खिते चिनाब में आप खाली किश्तवाड़ की बात मत कीजिए पूरे खिते चिनाब में लोग परेशान हैं बिजली की वजह से तो लिहाजा हम गवर्नर इंतजाम से गुजारिश करेंगे ये जो लाइनें बिछी हैं काफ़ी पुरानी लाइनें हैं ये लोड नहीं उठा पा रही हैं उस पर भी गवर्नर को देखना चाहिए और जो 132 लाइन स्टेट गवर्नमेंट की है उसको फंक्शनल बनाना चाहिए और दूसरा एनएचपीसी लाइन जो कभी कभी फॉल्ट हो जाती है रोज़ाना फॉल्ट होती है आए दिन ये शट डाउन लेते हैं लिहाजा अगर अल्टरनेट इनके पास होगा स्टेट की अपनी लाइन फंक्शनल होगी तो उससे लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़ेगा सोसाइटी की तरफ से एक एहतजाजी मार्च रखा था बिजली कटौती के बारे में आए दिन जो बिजली की आँख मचौली यहाँ हमारे किश्तवाड़ में हो रही है मौसम सरमा का सीज़न अभी स्टार्ट ही हुआ है यहाँ केबलिंग पूरे साल आपने भी देखी होगी कि नहीं हुई गर्मियों का सीज़न था केबलिंग नहीं हुई जो ही सर्दियों का सिस्टम शुरू होता था सीज़न तो यहाँ पर केबलिंग करनी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ पूरे पूरे दिन कटौती रखी जाती है और उसके बाद शाम को अगर कहीं बिजली आई भी तो इनका शेड्यूल शुरू हो जाता है कटौती के बाद आपने देखा कि आए रोज़ हर साल किराया बगैर किसी एग्रीमेंट के बगैर किसी आवाम को पूछे किराया बढ़ाया जाता है जबकि मकान वही है उसको वही दो कमरे वही तीन कमरे मकान है लोड वही है उसको मगर किराए में इजाफा किया जा रहा है
ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसका लोड कैसे बढ़ रहा है उस मकान में। बल्ब बढ़ रहे हैं, एक कमरे में वो 10 बल्ब लगा रहा है।